से टोल प्लाजा की, जहां पर कर्मचारियों का अभद्र व्यवहार देखने को मिला है। उन्नाव का ये मामला है। कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार पर मैनेजर समेत 7 पर FIR दर्ज की गई है। ट्रैफिक नियंत्रण न होने से लगता है आए दिन जाम। कर्मचारी आए दिन वाहन स्वामियों से अभद्र व्यवहार करते हैं, जिस पर आज कार्रवाई हुई है। ट्रैफिक नियंत्रण न होने से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है और जो टोल के कर्मचारी हैं वो वाहन स्वामियों से अभद्रता करते हैं, जिस पर आज कार्रवाई हुई है। लखनऊ उन्नाव टोल प्लाजा के मामला है। लापरवाही पर प्रभारी DM दिव्यांशु पटेल ने कार्रवाई की है। कानपुर हाईवे स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं उनकी अभद्रता का ये मामला है। और इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़ गए हैं उन्नाव से। अरुण, जो कार्रवाई हुई है टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी हैं, क्या कुछ और अपडेट आ रही सामने? बिल्कुल, ये पूरा मामला है जहां लगभग रोज का ही ये नियम बन गया है। जो टोल प्लाजा कर्मचारी है, जो मैनेजमेंट है, जो पूरा व्यवस्था देखता है, इसके द्वारा शायद अरुण की आवाज नहीं आ पा रही है, तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं। टोल प्लाजा जो है, वहां पर जो टोल के कर्मी हैं वो आए दिन अभद्रता करते हैं, जिस पर कार्रवाई हुई है। एक बार फिर से अरुण के पास आना चाहिए। अरुण, शायद अरुण वापस हमसे जुड़ेंगे तो आपको उन्नाव का ये मामला बता रहे हैं। टोल प्लाजा पर कर्मचारी जो हैं उन पर कार्रवाई हुई है। आए दिन वो अभद्रता करते हैं वाहन मालिकों से। मैनेजर समेत 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। आए दिन जाम की समस्या रहती है। लखनऊ कानपुर के नवाबगंज टोल प्लाजा का मामला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टोल प्लाजा की, जहां जाम की समस्या बनी रहती है और आए दिन जो वाहन स्वामी हैं, जो कार चालक होते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। आए दिन शिकायतें मिलती हैं, जिसको देखते हुए आज कार्रवाई की गई है। मैनेजर समेत 7 कर्मचारियों पर ये FIR दर्ज हुई है। उन्नाव का ये मामला आपको बता रहे हैं। लखनऊ कानपुर रोड पे ये टोल प्लाजा स्थित है। नवाबगंज टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। लगातार शिकायतें मिल रही थी टोल प्लाजा से, जो टोल कर्मी हैं और वाहन स्वामियों के बीच बहस अभद्रता के मामले सामने आ रहे थे। एक बार फिर से हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़ गए हैं। अरुण, जानना चाहेंगे 7 लोगों पर कार्रवाई हुई है, अब तक की क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, उसके बाद चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है। जो चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे थे उनसे ये बात कही जाती है कि इस पूरे मामले को जांच करने के बाद कार्रवाई करें, और ये इसी कार्रवाई की कड़ी में चौकी इंचार्ज द्वारा FIR दर्ज कराई जाती है, जिसमें टोल प्रबंधन जो टोल मैनेजर होते हैं उन पे FIR होती है और जो कर्मचारी होते हैं उन पे FIR कराई जाती है। इस पूरे मामले में एक चीज और निकल करके आई है, क्योंकि पहली बार कोई ये घटना नहीं हुई है। कई बार पहले भी इस तरीके की घटनाएं आती रही हैं, संज्ञान में आती रही, लेकिन कार्रवाई नहीं की है। इस बार जब प्रभारी DM ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, उसके बाद जो सुपरवाइजर है मनोज कुमार और सत्येंद्र चतुर्वेदी जो प्लाजा कंट्रोलर है, पवन सिंह जो मैनेजर है, और इन्हीं के साथ 4 अन्य कर्मचारियों FIR दर्ज की जाती है और कार्रवाई की गति इस तरह, हालांकि ये देखा जाए तो कार्रवाई की गति बढ़ी है, लेकिन आगे क्या होता है, किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरीके से बचाव करते हैं और स्थानीय थाना पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, ये देखने वाला होगा।
अरुण, जानना चाहेंगे कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर बात करें तो जो चौकी इंचार्ज के स्तर से मुकदमा दर्ज कराया गया है उस पूरे मामले में 153, 341, 352 और 504 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण। तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं, नवाबगंज स्थित टोल प्लाजा का ये मामला है जहाँ पर जो कर्मचारी हैं टोल के वो लगातार वाहन मालिकों से अभद्रता करते हैं और आज कार्रवाई हुई है, 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।